बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है। जब जब अनुपम पर्दे पर आते हैं वो फैंस को अपना दीवाना बना देते हैं। हाल ही में 25 मई को अनुपम ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 35 साल पूरे किए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुपम खेर इन दिनों बेरोजगार हैं। जी हाँ, अनुपम खेर जिन्हें कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने में कोई समस्या नहीं हुई, आज उनके पास कोई फिल्म नहीं है। अनुपम खेर ने खुद इस बात का खुलासा किया है। हाल ही में अनुपम ने एक इंटरव्यू में बताया कि बीते 35 सालों में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि कभी किसी दिन या किसी घंटे किसी भी समय में मैं बेरोजगार रहा हूँ। इन 35 सालों में मैंने हर समय किसी न किसी फिल्म में काम किया है, लेकिन ये पहली बार है जब फिल्म वन डे के बाद मेरे पास कोई भी फिल्म नहीं है। अभी भी मैं खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा एम्पावर्ड एक्टर मानता हूँ, महसूस करता हूँ। अनुपम खेर आगे कहते हैं कि फिलहाल मेरे पास कोई फिल्म नहीं है, मुझे एक्टिंग में 35 साल हो चुके हैं। 25 मई 1984 को मेरी पहली फिल्म सारांश रिलीज हुई थी। इन सालों में कई उतार चढ़ाव देखे, जितने भी लोग फिल्म बनाने वाले लोग हैं सब लोग मेरे पास आ जाएं, मैं सबकी फिल्मों में काम करूंगा। अनुपम खेर ने हाल ही में अपनी फिल्म वन डे की शूटिंग पूरी की है। फिल्म में उनके साथ जाकिर हुसैन, जरीना वहाब, मुरली शर्मा, अनंत महादेवन और राजेश शर्मा जैसे स्टार्स भी हैं। अशोक नंदा की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 14 जून को रिलीज हो रही है। बता दें कि अनुपम खेर ने अपने करियर की शुरुआत 28 साल की उम्र में की थी। पहली फिल्म में अनुपम खेर ने 65 साल के वृद्ध इंसान का रोल निभाया था और इस रोल के बाद वो छा गए थे। पहली फिल्म सारांश को आज भी उनकी सबसे शानदार फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। अब ये तो वक्त बताएगा कि बॉलीवुड में अनुपम खेर को और काम मिलता है या फिर अनुपम खेर एक बेरोजगार की तरह ही बॉलीवुड में अपनी लाइफ बिता देते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।